आज हम बनाने वाले हैं साबुनदाने की मिक्स ड्राई खिचड़ी। यस, तो ड्राई खिचड़ी बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी साबुनदाने को सोख करके रखा है करीब 2 घंटे से। इसके बाद में हम इसमें जो डालने वाले हैं वो है हमारा ज़ीरा, करी पत्ता, मिर्ची एंड धनिया एंड पीनट्स एंड पोटैटो एंड टमाटो। इसको डाल करके मैं बनाने वाली हूँ, बिकॉज़ व्रत का बना रही हूँ इसलिए इतना ही डालूँगी। अदरवाइज इसमें हम और भी वेजीज एंड और भी चीज़ें ऐड कर सकते थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट इस स्टार्टेड। मैंने गैस पे ऑलरेडी कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमें इतना लेना है क्योंकि हमें इसमें आलू को और ये जो हमारे मूंगफली के दाने इन्हें फ्राई करने हैं। तो हम चलते हैं फटाफट से फ्राई करने के लिए। डालेंगे दाने, इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। दाने ऑलमोस्ट डन, अब हम इन्हें निकालेंगे। दानों को निकाल लिया है, देख रहे हैं आप गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये। हमें डीप फ्राई करना है, रहना ब्राउन होने तक। ये देख रहे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से पकाना है, मतलब 2-4 मिनट तक। और ऑलमोस्ट आलू हो गए हैं डन, अब हम इन्हें निकालेंगे प्लेट में। हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है, अब हम इसमें करेंगे अपने साबुदाने को फ्राई। तो हम फास्ट के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ की हैं। अगर हम ऐसे नॉर्मल डेज में खाने के लिए बना रहे होते सारी चीज़ें ऐड कर देते। तो हम फ्राई करने के डाले हैं ज़ीरा, करी पत्ता, चिली, टमाटर, इसे ऐड करेंगे किशमिश एंड ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हो। अब ऐड करेंगे इसमें हम अपना साबुदाना। ऑलरेडी हमने जो 2-3 घंटे के लिए सोक करके रखा हुआ था अब इसमें ऐड करेंगे मूंगफली एंड आलू। क्योंकि हमारा साबुनदाना ऑलरेडी 2-3 घंटे सोक करके रखा हुआ है तो इसके दाने ऑलरेडी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, आप इनको आराम से खा सकते हैं। ये देखिए दम अलग हुआ जा रहा दबाने से, तो आप इसको आराम से खा सकते हैं। सो बहुत सारे लोग पानी के साथ में बनाते हैं, मैं ड्राई बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने इसे ट्राई किया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी लुक बहुत प्यारा लग रहा होगा। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया। ऑलरेडी हमारी साबुदाने की खिचड़ी इज़ डन, इसे हम सर्व करेंगे प्लेट में। गाइज आप इसका लुक देख रहे होंगे, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। बढ़िया धनिया के साथ आप इसे सर्व करें और आपने गेस्ट को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। नवरात्रि के लिए बहुत ही स्पेशल है। सो गाइज मेरे वीडियो को ज़रा आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आती रहूँगी। कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।